उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु मध्य प्रदेश में युवाओं को जोड़ा जाएगा। माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और कॉलेज में छात्र छात्राओं को छात्र उपभोक्ता क्लब के माध्यम से जोड़ रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी उपभोक्ता के हितों की रक्षा हेतु आगे आए और देश में बढ़ रहे मिलावट, कालाबाजारी तथा ऑनलाइन ठगी जैसे गंभीर अपराधों से आम उपभोक्ताओं को बचाने का प्रयास करें। यह बात आज स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरिशंकर शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ एक सेमिनार रखा गया था, जिसमें छात्र छात्राओं को उपभोक्ताओं के हित में रक्षा कैसे की जाना चाहिए, इस पर चर्चा की गई। प्रदेश के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता उत्थान संगठन विशेष ट्रेनिंग देकर संस्थान के सदस्यों को सक्रिय करेगा, ताकि क्षेत्र में उपभोक्ताओं के साथ खुलेआम हो रही ठगी से इन्हें बचाया जा सके। हम लोग यहाँ पर एक टीम तैयार कर रहे हैं, अभी पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, छात्र उपभोक्ता क्लब बना रहे हैं मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेजों में। बच्चों के माध्यम से जन जागरूकता कर ठगी करने वालों के खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और आपको बता रहे हैं, देर नहीं, अब उपभोक्तावाद आएगा तो हमारे धार से भी, पूरे मध्य प्रदेश से ठगी करने वाले, नकली सामान बनाने वाले, चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में ठगी करते हों, चाहे बीमा के क्षेत्र में ठगी करते हों, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंसर हो जो हमारे ग्रामीण भोले भाले लोगों को का ट्रैक्टर जब्त करते हों या गाड़ियां जब्त करते हों, ये सब लोगों को निजात मिलेगी। दबंग न्यूज़ के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।